हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्यूब इन ए क्यूब, जब आप एक क्यूब सॉल्व करते हो तो क्यूब इन ए क्यूब एक पैटर्न होता है, जो ये पैटर्न होता है, आप देख सकते हैं एक क्यूब के अंदर और एक क्यूब है। आज मैं आपको क्यूब इन ए क्यूब की एल्गोरिदम भी बताऊंगा, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फिर हर वक्त की तरह मैं आपको क्यूब्स की सम बेसिक नोटेशंस बताऊंगा। आर को हम रिप्रेजेंट करेंगे राइट लेयर से, एल को लेफ्ट लेयर, अपर लेयर को यू से, डाउन लेयर को डी से, फ्रंट लेयर को एफ से, बैक लेयर को बी से, मिडिल लेयर को एम से, सेंटर लेयर को सी से। अब ये राइट लेफ्ट अपर डाउन फ्रंट बैक मिडिल सेंटर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो लेयर आप अपने राइट पे पकड़ रहे हो उसे हम राइट लेयर कहेंगे, जो लेफ्ट पे पकड़ रहे हो उसे लेफ्ट लेयर, जो ऊपर है यानी कि अपर लेयर, जो डाउन है उसे हम डाउन लेयर कहते हैं, फ्रंट लेयर जो आपकी तरफ फेस कर रहे हैं उसे फ्रंट लेयर कहते हैं, बैक लेयर ये वाला लेयर होता है, मिडिल लेयर ये वाला लेयर होता है जो मैं अभी मूव कर रहा हूँ, ये वाला, सेंटर लेयर ये वाला होता है, मिडिल लेयर ये होता है, सेंटर लेयर ये होता है, ये वाला। ओके, तो अभी हम क्योंकि कुछ साइंस देखेंगे, राइट लेफ्ट और मिडिल के केस में अपर और डाउन एरो को यूज करेंगे, अपर डाउन और सेंटर के केस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरो को यूज करेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड और ई लेयर के केस में हम फ्रंट और बैक लेयर को यूज करेंगे। अभी आता है हमारा मेन, ये है एल्गो, कैसे बनाते हैं क्यूब इन क्यूब। तो फिर मैं जल्दी से इस एल्गो को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्यूब इन ए क्यूब, जब आपका क्यूब सॉल्व हो जाता है तभी आप एक पैटर्न बनाते हो जिसमें एक क्यूब होता है, उसके अंदर एक क्यूब होता है। जल्दी मैं आपको एक और वीडियो दूंगा क्यूब इन ए क्यूब इन ए क्यूब, जिसमें एक क्यूब के अंदर और एक क्यूब होते हैं, उसके अंदर और एक क्यूब होता है। तो जल्दी से इस एल्गोरिदम को लगा देते हैं और हम क्यूब इन ए क्यूब पैटर्न को बनाते हैं। एफ, फ्रंट को क्लॉकवाइज, यानी कि जो मेरे तरफ फेस करे उसे क्लॉकवाइज, लेफ्ट को डाउन कर दिया, फ्रंट को फिर से क्लॉकवाइज, अपर लेयर को आगे बढ़ा दिया, राइट लेयर को भी ऊपर कर दिया, अपर लेयर को फिर से पीछे कर दिया, फ्रंट लेयर को दो बार क्लॉकवाइज घुमाया, लेफ्ट लेयर को दो बार नीचे, अपर लेयर को एक बार आगे, लेफ्ट लेयर को एक बार ऊपर, बैक लेयर को एक बार पीछे, डाउन लेयर को एक बार पीछे, बैक लेयर को एक बार क्लॉकवाइज, लेफ्ट लेयर को दो बार डाउन कीजिए या आप कीजिए आपकी चॉइस है, मैं डाउन करूँगा, 1 2, अपर लेयर को आगे कर दीजिए। तो फिर अभी मैं और एक टाइम करके दिखाता हूँ। तो ये हो चुका है हमारा क्यूब इन ए क्यूब पैटर्न, आप देख सकते हैं एक क्यूब के अंदर और एक क्यूब है, ये वाला भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे फिर से करते हैं, तब तक मैं आपके लिए क्यूब को सॉल्व कर लेता हूँ। आपको मैं ये पूरा क्यूब सॉल्व करके अभी आया, तो अभी मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो फिर मैंने क्यूब को सॉल्व कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो फिर हम अभी फिर से क्यूब इन ए क्यूब करेंगे, तो चलिए करते हैं। फ्रंट लेयर को क्लॉकवाइज, लेफ्ट को
डाउन फ्रंट को क्लॉकवाइज, अप को आगे बढ़ा दिया, राइट को भी ऊपर कर दिया, यू को पीछे, फ्रंट लेयर को दो बार क्लॉकवाइज, लेफ्ट लेयर को दो बार नीचे, अपर लेयर को एक बार आगे बढ़ा दिया, लेफ्ट लेयर को ऊपर, बैक लेयर को एंटी क्लॉकवाइज, डाउन लेयर को छे कर दिया, बैक लेयर को क्लॉकवाइज, लेफ्ट लेयर को दो बार डाउन और अपर लेयर को एक बार पीछे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा पैटर्न क्यूब इन ए क्यूब का बन के आ चुका है। देखिए एक क्यूब के अंदर और एक क्यूब है इस साइड भी, ये कितना अच्छा लग रहा है। तो फिर फ्रेंड्स आपको मैं दूसरा साइड भी दिखाता हूँ, यानी कि ये वाला साइड अभी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाय।